सही हुई है बिल्कुल। अरे शाबाश। अरे नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर। तो एक और धूप भरी दोपहर और एक और मेहनत भरी ड्रैग रेस आप सबके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ इस गाड़ी को भाई मैंने बहुत ढूंढा है और सबर का फल मीठा होता है, जानता हूँ। तो ये आवाज़ से आपको पता चल गई होगी कि डीजल की गाड़ी है, DDIS से भी पता चल गई होगी डीजल की गाड़ी है। तो ये जो मारुति सुजुकी की ब्रेजा है, ये है 1300 सीसी का डीजल इंजन और जो निकालता था अपने 89 BHP और 200 Nm का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। इस गाड़ी के या इस इंजन के जितना आपने किस्से सुने हैं परफॉर्मेंस वाइज, और मैं कह सकता हूँ एक हिसाब से मारुति की बिल्ड क्वालिटी में टॉप की गाड़ी ये थी और एस क्रॉस थी। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी हमेशा से मारुति की कम ही रही है, बट ये जो गाड़ी मारुति ने निकाली थी और जब से ये इंजन बंद करा है, मैं कह सकता हूँ कई लोगों के दिल ज़रूर टूटे होंगे। तो इसकी तो मैंने बात कर ली, और जिसके साथ मैं ड्रैग रेस लेके आया हूँ ना, इस गाड़ी से भी आप सारे वाकिफ होंगे। यह है महिंद्रा की XUV 500। फ्रंट फेस से आपको पता चल गया होगा कि 155 BHP वाली है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, आप सही सोचे हो। बट रियर अगर मैं जाऊँगा इसके तो आपको पता चलेगा कि पुरानी वाली है। एक बार पीछे से आपको इसकी लाइट्स दिखा देता हूँ। हेलो, दिख गई। तो ये पहले जो थी स्टॉक थी 140 BHP निकालती थी 320 Nm टॉर्क के साथ, बट मैंने इसका ECU ही अपग्रेड करवा दिया था महिंद्रा में जाके, और अब जो है W11 वाला ECU यानी 155 BHP और 360 Nm का टॉर्क ये गाड़ी मेरे को निकाल के दे रही है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ। तो लॉन्च ये गाड़ी अच्छा मारती है, बट मैनुअल की जो बात होती है वो ऑटोमेटिक में कभी नहीं आएगी। तो देखते हैं ड्रैग रेस करके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, क्या कुछ तौर तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं, क्या कुछ मोड इसके लगाने पड़ते हैं। और मोड तो खैर दोनों गाड़ियों में आते नहीं, ट्रैक्शन और AC वाली चीज़ होती है। मैं देखूंगा भाई ड्राइव पे मैनुअल पे क्या करके मेरे को गाड़ी आगे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत भागती है भाई ये गाड़ी, बता रहा हूँ। किसी भी भाई के पास ये गाड़ी हो बेचना मत डीजल वाली। तो करते हैं ड्रैग रेस शुरू। तो पहले राउंड के लिए जो है XUV के अंदर मैं आ चुका हूँ, 100 किलो मेरे साथ बैठ चुका है। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बहुत अच्छे। आपका मीम बना दो। मीम? मेरा मीम नहीं बनाना है। ओके, सॉरी। मीम का मीम बनाना होता है। ठीक है, तो ज्यादा कितना है भाई ब्रेजा से? अच्छा जी। What happened? तो पहला राउंड ESP मैंने ऑफ कर दिया है, AC मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है, और AC भी वहां पर ऑफ है। तो लॉन्चिंग थोड़ी सी, चलो बिल्कुल टक्कर सही हुई है बिल्कुल सही हुई है। अरे शाबाश। अरे तो पहले राउंड के विजेता XUV 500 ये वाली रही है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो इनिशियली लाइट वेट उस गाड़ी के अंदर है, तो बीच में गाड़ी अच्छी निकलती, पर चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, तीसरा गियर XUV का लगता ही बेटे ऐसे तेजी कर देती है सबकी। तो दूसरे गियर तक तो वो गाड़ी आ गई थी। लॉन्च बिल्कुल प्यारा हुआ है दोनों गाड़ियों में, बिल्कुल सही लॉन्च हुआ है। तो लॉन्च वाला जो फैक्टर है खुद से लूंगा नहीं मैं, लॉन्च वाली चीज तो अपने पास रखूंगा मैं ऑब्वियसली, बट हम्म,
यस लॉन्चिंग ठीक हुई थी कि थोड़ी लेट करी? सही हुई थी, एकदम बढ़िया उठी थी। तो वो क्या करना है बार बताओ भाई, फिर फायदा क्या? लॉन्च तो सही हुआ था। एसी ऑन कर लेता हूँ, चलो इस वाले में ठीक है। एसी ऑफ कर रखा है ना तुमने? और फिर रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब की बार एसी ऑन कर लिया मैंने, दबा मत देना भाई बीच का बटन, ठीक है? तो सेकंड जो राउंड है, जा भाई गो एंजॉय। तो सेकंड जो राउंड है, एसी मेरा ऑन है, ईएसपी जो है वो मेरा ऑफ मैंने कर रखा है, क्योंकि लॉन्च गाड़ी में जरूरी है। और चले ऑन तुम कर लो, ऐसा करो हो जाएगा। चलो भीड़ इतनी है, कहाँ जा रहे हो इतनी दोपहर में भाई? घर रहो अपने सारे। हेलीकॉप्टर है भाई, गैर अटक गया था भाई। ले लिए ब्रेक मैन। लो जी, अगले राउंड की विजेता भी एक सीवी रही है। ऐसा करते हैं, इस गाड़ी में और लोगों को बिठा लेते हैं, थोड़ा एडवांटेज, वेट का जो एडवांटेज है ब्रेजा को वो मैं रख लेता हूँ अपने पास। आ जाओ एक इंसान को और बोल दो कि बैठ जाओ, आ जाओ तुम दोनों और बैठ जाओ, जब जाएगा चला गया। एसी ऑफ कर देते हैं, आ जाओ जी बैठो। दो दो जनता हमने गैर अटका था, कोई नहीं, इट्स ओके ठीक है। दो बोनस दे देता हूँ आप लोगों को, दो लोग मैंने बिठा लिए, चार यस जीत जाओगे। मैं मैनुअल पे कर लेता हूँ, चलो ना ऑटोमेटिक। अरे क्या कर रहे हो भाई? I thought दे इतना भी उस तक उत्सुक नहीं, हिंदी वीक तुम्हारी। चलो चल था लंबे रूट पे पकड़ लेगी। गैप था, माननी पड़ेगी, मान लिया। अब एक इंसान वहां जाके बैठो, चलो हैवी ड्राइवर का बच गया। हैवी ड्राइवर की बात है भाई, वजन का तो फर्क है। पिछला गियर अटका था पीछे, पीछे में गियर अटका था। ऐसा करो एक इंसान वहां ट्रांसफर हो जाओ, चलो हो जाओ भाई, जैसी जिसकी श्रद्धा। चलो खोलो भाई, ये वेट बराबर करने लग गया। हाँ एक हॉर्न तो भी मारो, कोई नहीं, एक हार बर्दाश्त नहीं है, देख ले ये वेट बराबर कर ले तेरा, तू तो लड़वा के तो आई का इतनी तारीफ मार रहा हूँ ब्रेजा की, मैं बढ़िया गाड़ी है। आई ब्रेजा तारीफ के लायक भाई, खरीद लो जाओ। इतनी पसंद आ गई तो
चलो चलो अबे बहन अरे भैया पगला गए हैं, आगे की बजाय पीछे चल रहे हैं। अरे सदमा लग गया, पीछे चलने लग गया। चल बताता हूँ, चल रुक जा रुक जा, आज रुक जाओ तुम, रुक जा नहीं आज तो तू रुके। चलो पीछे जाते हैं लॉन्चिंग है, तीसरा लगा गया आगे, ब्रेजा गई भाई आगे। अजी हाँ गई ब्रेजा। कहाँ गई पीछे? बात नहीं, आ जाएगी आगे। एक राउंड में जीत गया कोई बात नहीं, क्या होगा? एक मैं हारा हूँ, मैं जीता सब मैं हूँ, हारा है एक मैं हूँ मैं। उल्टा बोल के भैया आप थोड़ा गलत, बैड बॉय, दिस इज नॉट गुड। पसीना काट दिया भाई। और बताओ क्या करना चाहते हो? तो जरा स्विफ्ट वाले को निकलने दो। हाँ हो गया, और करना। एक राउंड और मार ले इसका, करना है कि दूसरे? आप बताओ भाई, जैसे जी आपकी श्रद्धा है, बाकी क्लियर है, वेट पर विनर है। एक राउंड में जीत गई, एक मैं जीती है, एक मैं भाई, तूने फिर तौल भी तो वेट भी तो बढ़ा दिया। इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से वेट इसमें ज्यादा होना चाहिए था। वेट तो गाड़ी में ऐसे ही ज्यादा है। तूने हैवी वेट पहलवान वहां बैठा दिया, उसका क्या होगा? दो तो मैंने ये बिठा रखे अपने साइड में, दो हम भी तो बैठे हैं। दो? अरे मेरे को ये अकेले को दो काउंट कर रहा है साला, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अरे मैं ऐसे थोड़ी करता। बढ़िया है भाई, एक नंबर की चीज है। तो करिए हमने ड्रैग रेसिंग दोनों गाड़ियों की, और वेट बराबर रखा जाए, लॉन्च बराबर लिया जाए, तो इनिशियल में एक गाड़ी निकलेगी लाइट वेट और मैनुअल होने की वजह से। बट तीसरा गियर उसका लगता ही वेट है, जय महाकाल, और सिस्टम बढ़ती हुई चलती है। बाकी ये जो है ना इंजन, और ये जो गाड़ी है, ये जो वजन है जिसके अंदर इंजन समाया हुआ है, जो 200 NM का टॉर्क है इसके अंदर, पढ़ देता भैया बता रहा हूँ मैं शब्द नहीं निकल रहा, मेरे इतना पसंद है मेरे को ये इंजन जो है। और अगर ये 1600 वाला एस क्रॉस का इंजन होता, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता, सबको धोता। खैर यही तो कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, चैनल को प्यार दिखाओ, हमें प्यार दिखाओ, और जो भी भाई रेसिस रिव्यूज़ के लिए इंटरेस्टेड हो मेरे को ज़रूर बताओ। इंस्टा की ID डालता हूँ, जाके फॉलो ज़रूर कर देना, और जो भाई इंस्टा पे नहीं है वो मेरे को मेल पे कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि मेल ID भी डालता हूँ, मेरे को मेल जरूर कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Bye!